इस थ्योरम में कह रहा है लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेट द कॉर्ड इस मुझे तो मैं इसकी फिकर बना लेता हूं पहले एक सर्कल बनाता हूं कह रहा है लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड मैं एक कॉर्ड बनाता हूं ए बी और पॉइंट ओ से एक लाइन बनाता हूं ओ एक्स ये लाइन ऐसे बनाता हूं कि ये बाइसेक्ट करे कॉर्ड को बाइसेक्ट का मतलब जो एक्स होगा मेरा ये मिड पॉइंट होगा ए बी का यानी ए एक्स और बी एक्स इक्वल होंगे हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ओ एक्स ये प्रिपेंडिकुलर है ए बी के यानी ओ एक्स और ए बी प्रिपेंडिकुलर है ये प्रूव करना है प्रूफ करने के लिए मैं ओ ए ओ को ज्वाइन कर लेता हूं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रोए प्रूव करता हूं ओ ए इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियस है ए एक्स बी एक्स हमें इक्वल गिवन है और ओ एक्स कॉमन है तो एस 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 कॉन्ग्रोएंसिस से तीनों सॉरी एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रोएंट हो जाएंगे कॉन्ग्रोएंट हो गए तो मैं सी पी सी टी से ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दूंगा आइए करते हैं गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी कॉर्ड है जहां पे ओ एक्स ए बी को बाइसेक करता है यानी ए एक्स इक्वल टू बी एक्स है ओ एक्स प्रिपेंडिकुलर टू ए बी प्रूव करना है आइए करते हैं प्रूफ के लिए मैं दोनों ट्रायंगल ले लेता हूं ए ओ एक्स और बी ओ एक्स इन दोनों ट्राइंगल्स में ओ ए और ओ बी इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस होंगे ओ एक्स कॉमन है और एक्स और बी एक्स इक्वल है ये गिवन है हमें तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल ए एक्स और ये वाला एंगल बी एक्स ये दोनों इक्वल होंगे बाय सी अब हमने तो इक्वल प्रूव किया पर मुझे प्रूव करना है ओ एक्स ए बी के प्रपेंडिकुलर है यानी ये दोनों एंगल्स 90 प्रूव करने हैं ये प्रूव करने के लिए अब मुझे पता है ये लाइन ए बी में ये दोनों एंगल्स मेरा लीनियर पे बनाएंगे यानी ए एक्सो प्लस बी वन एट्टी डिग्री दोनों इक्वल है तो बी को लिखता हूं ए तो एंगल ए एक्स ओ यानी ये वाला एंगल आ जाएगा मेरा वन एट्टी बाई टू यानी नाइन्टी यानी ए एक्स ओ भी नाइन्टी बी एक्स ओ भी नाइन्टी दोनों नाइन्टी का मतलब ओ एक्स और ए बी परपेंडिकुलर है हमें यही प्रूव करना था हूफ